हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेडीज़ पैंट बनाएंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 मीटर फैब्रिक लिया है और फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया है और इसे मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया है। ये ओपन साइड है तो सबसे पहले हम 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। और अभी हम यहाँ पे ऊपर से 2 इंच छोड़ेंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट भी हम इसी में कट करेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेना है। अभी यहाँ पे हम क्रॉच लेंथ मार्क करेंगे तो उसके लिए हमें हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरा हिप राउंड है 36 इंच, तो उसमें हम उसका 4th पार्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 9 इंच, प्लस हम 2 इंच मार्जिन लेंगे तो हमारा क्रॉच लेंथ हो जाएगा 11 इंच। तो हमें 11 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। बेल्ट को छोड़ के हम 11 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इस लाइन को सीधा कर लेना है। अभी देखिए, इस लाइन पे हमें क्रॉच की चौड़ाई मार्क करनी है तो उसके लिए हमें हिप राउंड डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो मेरा हिप राउंड है 36 इंच, तो उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 9 इंच, प्लस हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे तो यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करना है। देखिए, यहाँ पे हम 10 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। और इस मार्क को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप देना है इस तरह से। अभी हम देखिए, मेरे पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच, तो ऊपर से बेल्ट को छोड़ के हम 36 इंच पे मार्क करेंगे और प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे फोल्डिंग के लिए। इस लाइन को सीधा करना है। अभी देखिए, यहाँ पे बॉटम मार्क करना है तो उसके लिए हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर है 6 इंच पे, तो पूरा नीचे तक हम 6 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अभी देखिए, पैंट का बॉटम 6 इंच है तो यहाँ पे हमें 6 इंच लेना है। तो 3 इंच लाइन के इस तरफ लेंगे हम और 3 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से हमें 6 इंच लेना है इस तरह से। अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है तो इसके लिए मैं कर्व से स्केल का यूज़ करूँगी। इस तरह से हमें ड्रॉ करना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है। तो इस तरह से स्केल को रख के हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम बैक पार्ट को कट करेंगे तो इसके लिए हमें फैब्रिक को वापस 2 फोल्ड करना है। देखिए, मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। ऊपर से 2 इंच छोड़ के हम इसे रखेंगे इस तरह से। अभी इस वाले साइड्स को हमें
इसी शेप में ड्रॉ कर लेना है। इस वाले साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है। और अभी देखिए यहाँ पे जो हमारी क्रॉच वाली साइड है, यहाँ पे हमें 2 इंच पे मार्क करना है, 2 इंच बढ़ाना है इसे। पूरा नीचे तक हम इसे 2 इंच पे बढ़ाते जाएंगे। और इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे इस तरह से चेंज करना है बैक पार्ट में। और ऊपर भी 2 इंच बढ़ाएंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट यहाँ तक है। देखिए ये फ्रंट पार्ट यहाँ तक आ रहा है, तो उसके ऊपर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पार्ट के लिए। और इस लाइन को क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमें बैक पार्ट में चेंज करना होता है। सिर्फ क्रॉच वाली एरिया पे हमें 2 इंच बढ़ाना होता है और ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्रॉच वाली साइड को यहाँ से स्टिच करना है इस तरह से। देखिए दोनों पार्ट्स को इस तरह से स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। अभी हम इसे ओपन करेंगे। और इसके ऊपर हम फ्रंट का पार्ट उल्टा रखेंगे। दोनों सीधी साइड हमें अंदर रखनी है। अभी देखिए क्रॉच एरिया को हमें मिलाते हुए स्टिच करना है। यहाँ पे हम इसे मिलाएंगे अच्छे से, सेंटर से सेंटर को। और यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। और अभी हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए हमने बॉटम के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है। तो सबसे पहले एक स्मॉल फोल्ड करेंगे, उसके बाद में एक और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दोनों बॉटम हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे हमें साइड में स्टिच करना है। तो इन दोनों किनारियों को अच्छे से मिलाना है। देखिए इनको अच्छे से मिलाएंगे हम। और यहाँ पे हम 2.5 इंच ओपन रखेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करना है। और उसके बाद में हम यहाँ पे यहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है 2.5 इंच छोड़ के। और इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी हम 2.5 इंच छोड़ेंगे। दोनों किनारियों को अच्छे से मिलाना है और 2.5 इंच पे मार्क करना है और स्टिच करते जाना है यहाँ से। इतना ओपन रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों किनारियों को मिला के अच्छे से सिलाई लगा दी है। और ये हमने इतना ओपन रखा है। तो देखिए अभी हमने जो ओपन रखा है इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और हैंड स्टिच करेंगे। देखिए हैंड स्टिच करना है यहाँ पे। दोनों पार्ट्स में हैंड स्टिच करेंगे। देखिए अभी हम इलास्टिक लगाएंगे। तो हमने ऊपर 2 इंच छोड़ा है बेल्ट के लिए। तो हम एक स्मॉल फोल्ड करेंगे, उसके बाद में एक और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे 2 से 2.5 इंच ओपन रखेंगे इलास्टिक को अंदर पास करने के लिए।
देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है और थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक को पास करने के लिए। अभी देखिए ये हमने इलास्टिक लिया है, जितना आपका कमर है उसमें आपको 4 इंच कम करके लेना है। तो मेरा कमर है 30 इंच, तो मैंने यहाँ पे 26 इंच का इलास्टिक लिया है। तो यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। और इलास्टिक को हम इसके अंदर डालेंगे। इलास्टिक को अंदर डाल के हमें एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से हमने इलास्टिक को दूसरी तरफ से बाहर निकाला है। और अभी हम यहाँ पे इसे सिलाई लगा के पक्का करेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अभी हम इलास्टिक को अंदर करेंगे। और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, उसके बाद में इसे हमें स्ट्रेच करके सेंटर पे सिलाई लगा देनी है इस तरह से। तो देखिए हमने इलास्टिक लगा दिया है और इसी तरह से हमारा पैंट रेडी है। हमने यहाँ पे जहाँ पे कट रखा है वहाँ पे डेकोरेटिव बटन्स लगा लिए हैं इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।